वेलकम टू स्टीरियो विज फ्रेंड्स। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये NWD प्लेटफॉर्म का T5 एंड्रॉइड कार स्टीरियो है। मैं यहाँ पे आपको चेक करके दिखा देता हूँ, NWD T5 ओके। और इस वीडियो में बताऊंगा आपको किसी भी NWD प्लेटफॉर्म के एंड्रॉइड कार स्टीरियो में थीम कैसे चेंज करना है। बहुत सारी इसमें इनबिल्ट थीम होती है, हो सकता है आपके एंड्रॉइड कार स्टीरियो में थीम इसमें नहीं हो, तो मैं एक्सटर्नल सोर्स से भी बताऊंगा कैसे आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो थीम। और सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि यदि इसमें यदि थीम होता है तो वो कहाँ पर होता है। तो इसके लिए आपको कार सेटिंग में जाना है एंड सिस्टम सेटिंग, फैक्ट्री सेटिंग, अगेन फैक्ट्री सेटिंग। और यहाँ पे बहुत सारी पासवर्ड होती है NWD प्लेटफॉर्म का, नीचे मैं मेंशन कर रहा हूँ सारी पासवर्ड, आप चेक कर लेना आपके एंड्रॉइड प्लेयर में कौन सा पासवर्ड सपोर्ट कर रहा है। ओके, इस प्लेयर में 1617 सपोर्ट कर रहा है, तो मैं 1617 टाइप करके कंफर्म कर देता हूँ। ओके, आप पासवर्ड चेक कर लेना, नीचे जो भी पासवर्ड आ रहा है इसमें से आप टाइप करना। ओके, फैक्ट्री सेटिंग ओपन हो जाएगा। ओके, देन आपको यहाँ पे स्टाइल सेटिंग का ऑप्शन आएगा, स्टाइल सेटिंग, इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर भी कई कई पासवर्ड होती है, तो आप नीचे जो पासवर्ड आ रहा है इसमें से ट्राई कर लेना। मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ 111333। ओके, आपके केस में दूसरा भी पासवर्ड हो सकता है, आप चेक कर लेना। मैं जो नीचे पासवर्ड डाल रहा हूँ इसमें से। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी थीम है, आप जिसको भी सिलेक्ट करके कंफर्म करोगे तो वो सेव हो जाएगी। ओके, जैसे मैं यहाँ पे इस थीम को सिलेक्ट करके क्लिक कर दे रहा हूँ, तो ये यहाँ पर सेव हो चुकी है। देन आपको यहाँ पे क्या करना है, एंड में सेव बटन पर क्लिक करना है और ऑन होते ही प्लेयर की थीम चेंज हो जाएगी। ओके, और यदि आपके प्लेयर में यहाँ पर एक भी थीम नहीं है, उसके लिए मैं पेन ड्राइव में एक फाइल रखा हूँ, APK फाइल, वो आपको इंस्टॉल करना है। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसको इजिली डाउनलोड कर सकते हो। इसकी लिंक ओपन है, आप इजिली डाउनलोड कर सकते हो, कोई चार्ज पे नहीं करना होगा। ओके, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये थीम चेंज हो चुकी है। ओके, यदि आपके प्लेयर में एक भी थीम नहीं है या फिर आपको इसमें से कोई भी यूज का थीम नहीं लग रहा है, तो आप एक्सटर्नल सोर्स से कैसे कर सकते हो, इसके लिए जो आप डाउनलोड करोगे फाइल को, थीम की फाइल को जो डाउनलोड करोगे पेन ड्राइव में रख लेना है। देन आप पेन ड्राइव को USB के साथ माउंट करना। ओके, देन आपका यहाँ पे USB सपोर्ट दिख जाएगा, ये USB कनेक्ट हो चुकी है। एंड आपको एप्लीकेशन खोलना है एंड फाइल मैनेजर में जाना है, फाइल एक्सप्लोरर, यूडिक्स, और ये एप्लीकेशन है, इस पर क्लिक करके आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। मैंने इस प्लेयर में ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए ऐप नॉट इंस्टॉल्ड आ रहा है। ओके, मैं डन कर देता हूँ और बैक करके आपको दिखाता हूँ ये UI स्टाइल। आप फर्स्ट टाइम करोगे तो ये एप्लीकेशन आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, देन आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे देख लो बहुत सारी थीम आ गई, आप इसमें से जिसको सिलेक्ट करोगे, लाइक इसको मैंने सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे डन बटन पे क्लिक करना है, थीम रिसोर्स लोडिंग। ओके, देन आपका थीम चेंज हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो प्लेयर की थीम चेंज हो गई। आप दूसरा भी सिलेक्ट करना चाहो तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो एक ये मेथड हो गया थीम चेंज करने का, जो कि पेन ड्राइव में एप्लीकेशन है, आपको नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। एंड एक और मेथड मैंने बताया, सिस्टम सेटिंग, फैक्ट्री सेटिंग, फैक्ट्री सेटिंग, पासवर्ड डाल के आपको स्टाइल सेटिंग में जानी है। एंड यहाँ पे पासवर्ड आपको टाइप करना है
और यहाँ पे भी आपको बहुत सारी थीम मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा एंड इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आप तक वीडियो इजिली पहुंच जाएगा, क्योंकि इस टाइप का मैं वीडियो डालते रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। ओके थैंक यू सो मच।